जहां पर उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय में चुनाव कराने की बात की। सभी संगठन के युवाओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में चुनाव होने से छात्र छात्राओं की परेशानियां दूर कर सकेंगे। साथ ही छात्र नेताओं ने आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति को समय सीमा भी दी। अगर दिसंबर तक चुनाव नहीं कराए गए तो आने वाले समय आंदोलन करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। आज जो यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, किस विषय को लेकर दिया गया है? ये जो आज हम सारे छात्रों ने मिलकर ज्ञापन दिया है, वो छात्र संघ चुनावों को जल्द से जल्द करवाने की हमारी मांग है, जिसको लेकर हम आज ये ज्ञापन देने आए थे कुल सचिव को और रजिस्ट्रार सर को, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पर छात्र जो है चुनावों को लेकर उत्साहित थे और हम सभी तैयारी करने में लगे हुए थे। हमको यही उम्मीद थी इतने दिनों से कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन अब जो है ऐसा नजर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो चुनावों को कराने का जो ऐसा अगर शेड्यूल होता है, टाइम होता है, वो पीरियड भी निकल चुका है और चुनाव कब के हो जाने चाहिए, लेकिन चुनाव नहीं हुए। और इसी देरी को देखते हुए जो छात्रों की मांग है वो बढ़ती जा रही है और हमारी भी मांग यही है कि जल्द से जल्द जो है छात्र संघ चुनावों कराने के लिए तिथि घोषित की जाए। तो क्या लगता है अभी प्रशासन ने आपको क्या मतलब कुल सचिव द्वारा तिथि या कुछ दिया गया अभी? अभी तक तो कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया है, पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराने के लिए या बात आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर तक पहुँचाने के लिए लोग कोशिश करने की बात कह रहे हैं। अब देखें, हम इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं, हमने ज्ञापन दिया है, अपनी प्रक्रिया हम लोग चालू रखेंगे। अपना नाम बता दीजिए। और ये जो आज लोगों ने किया, ये विज्ञापन दिया गया रजिस्ट्रार साहब को कि जो छात्र चुनाव कराया जाए, ये किसी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया, किसी पार्टी के द्वारा